हाय गाइस, दिस इज जियान एंड यू आर वाचिंग वर्क एट अवर जॉब हेल्पफुल। फ्रेंड्स, बाइकर वालों के लिए एक और अच्छी, एमबीए वालों के लिए एक और अच्छी, और डिग्री वालों के लिए एक और अच्छी हेल्पफुल जॉब। जॉब लोकेशन आपका बेंगलोर के अलावा दूसरी जगह भी है। काफ़ी सारे जो मैसेजेस और ऐसे रेज्यूम्स भी हम लोगों के पास रखे हैं जो आउट ऑफ बेंगलोर के हैं, वो जॉब उन लोगों के लिए है। अच्छी जॉब है, अच्छी सैलरी वाली जॉब। तो पूरी जॉब की डिटेल्स देने से पहले एक हल्की सी रिक्वेस्ट आपसे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और वीडियो पसंद आने पर लाइक कर लें, और कमेंट्स करना कभी ना भूलें। कुछ भी डाउट्स है तो आप सीधे हम लोगों से कमेंट्स कर सकते हैं, और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर करना कभी ना भूलें ताकि उनको अच्छा कुछ हेल्प मिले। फ्रेंड्स देखिए, काफ़ी कॉल्स और मैसेजेस ऐसे आते हैं जो सीधा ये बोलते हैं कि आप तो फेक है, फेक वीडियो डालते हैं, फेक वीडियो डालते हैं, हम लोगों को जॉब नहीं मिलता है। गाइस, मैं एक चीज़ क्लियर कर दूं कि हर एक बंदे को जॉब दिलवाना पॉसिबल नहीं है। ये काम हम लोगों के हैंड में नहीं। आप कौन से भी बड़ी बड़ी कंपनी में चले जाइए कि हर एक बंदे को, प्रत्येक बंदे को जॉब दिलवाना हर किसी के वश में नहीं होता ना कि पॉसिबल होता, क्योंकि हर एक बंदे की सोच अलग होती है। किसी को काम सूट नहीं होता तो किसी को जो है पेमेंट सूट नहीं होता, किसी को सब कुछ सूट होता है लेकिन किसी को जो है कंपनी को वो बंदा सूट नहीं होता। तो ऐसे सब चीज़ें रहती है। तो फ्रेंड्स, ये जो जॉब होने वाली है एमबीए डिग्री वालों के लिए है। कंपनी पेंट्स कंपनी, पेंट जो मैं घर में करता है ना वो पेंट्स कंपनी, उसमें मार्केटिंग का काम है, सेल्स का काम है। लोकेशन इसमें बेंगलोर, मैसूर, मंगलोर, टुमकुर, दावणगेरे और नियर बाई एरिया कवर होता है। इसमें बाइक इज कंपल्सरी, इसमें बाइक कंपल्सरी होना ही होना रहता है। बाइक और एंड्रॉइड फोन कैंडिडेट के पास होना चाहिए। सैलरी इसमें कंपनी की तरफ से दी जाती है 20 to 25K CTC, CTC कंपनी के द्वारा CTC सैलरी। इसमें फिर आपको डिडक्शन होता है, ESI PF हो गया या फिर कुछ एक्स्ट्रा जो कंपनी करती है वो आपको इंटरव्यू में बता दिया जाता है। तो CTC जो है 20 to 25 सैलरी रहती है, स्टार्टिंग 20 बता रहा हूँ मैं। प्लस इसमें एक्स्ट्रा अनाउंस भी रहता है, अनाउंसमेंट लाइक जस्ट पेट्रोल का, या फिर एक्स्ट्रा जो है लाइक इंसेंटिव हो गया, वो बहुत कुछ ऐसा जो है अलग से जो है अनाउंसमेंट जो रहता है वो आपको क्लियर होता है इंटरव्यू में। इंटरव्यू के लिए डॉक्यूमेंट्स लगता है इसमें, पैन कार्ड, आधार कार्ड, बैंक पासबुक और एक आपका सर्टिफिकेट, सर्टिफिकेट एमबीए का, डिग्री का या फिर अपने कॉलेज किया है उनका। एक्सपीरियंस कंपनी चाहती है इसमें 0 to 1 year। अगर आपको एक्सपीरियंस है अच्छा खासा तो आप इसमें अच्छी खासा सेट हो सकते हैं, नहीं तो फ्रेशर भी इसके लिए अप्लाई कर सकता है। ओनली फॉर मेल कैंडिडेट्स के लिए है, सिर्फ और सिर्फ लड़के लोगों के लिए है। लोकेशन मैंने आपको पहले भी बता दिया, बेंगलोर में चल रहा है इंटरव्यू। बेंगलोर, मंगलोर, मैसूर, टुमकुर, दावणगेरे और नियर बाई एरिया में जो है वैकेंसीज अभी खाली है। रियल जॉब रहती है गाइस, और 100% फ्री जॉब रहती है, आपसे जो है कोई भी चार्ज नहीं लिया जाता है। काफ़ी कॉल्स और मैसेज वही आ रहा है कि सर फ्री का जॉब दिखाइए जिसमें रूम फ्री हो, खाना फ्री हो, रूम फ्री हो, खाना फ्री हो। मॉर्निंग से शाम तक हम लोगों के पास ज़्यादातर मैसेजेस वही आते हैं, सर ऐसी जॉब बताइए जिसमें 18,000 सैलरी है, रूम फ्री है और खाना फ्री है। तो मैं गाइस एक बात क्लियर कर देता हूँ कि हर काम में रूम फ्री, खाना फ्री कंपनी नहीं देती है। जिस कंपनी में, जिस काम में, जिस जॉब में सैलरी आपको अच्छी खासी मिल रही है, जिसमें ग्रोथ रहती है, जिसमें आपका फ्यूचर रहता है, उसमें कंपनी जो है रूम और खाना फ्री कभी नहीं देती है, क्योंकि उस कंपनी में ग्रोथ रहती है, आपको आगे बढ़ने का चांस रहता है उसमें। आज आपकी सैलरी 20 से 22 हज़ार रुपये है तो कल होके आपकी सैलरी जो 25 तक पहुंचती है। जैसे जैसे आपको एक्सपीरियंस होता है वैसे वैसे इसमें सैलरी इंक्रीज होती है, प्लस इसमें जो है पोस्ट भी इंक्रीज होती है। तो फ्रेंड्स, जो जो कैंडिडेट्स इंटरेस्टेड है वो आप डायरेक्ट कॉल कर सकते हैं इस नंबर पर, नहीं मैं एक और नंबर डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा, उस नंबर पर कॉलिंग का टाइम का ध्यान रखें, सुबह 9:30 to 4 o'clock, 4-5 o'clock लास्ट है। अगर आपके पास रेडी रेज्यूम है टिल अपडेट,
टिल अपडेट का मतलब है कि कल तक या लास्ट मंथ तक जो आप जॉब छोड़े हैं या फिर जॉब कर रहे हैं उस तक डेट का आपको रिज्यूम रेडी करवा के डिस्क्रिप्शन में जो नंबर है उस नंबर पे आपको व्हाट्सएप करना है आफ्टर 4। कॉलिंग का टाइम मैंने आपको 9:30 to 4 o'clock बता दिया है। 4 o'clock के बाद कॉल नहीं करें, ना उनको करें ना हमको करें। हम लोगों का भी सेम टाइमिंग है 9 o'clock to 4 o'clock। रात के 11-11 बजे भी लड़के लोग कॉल करने लगते हैं, सुबह सुबह 5 बजे भी लोग कॉल करने लगते हैं। फिर उनको अच्छा रिस्पांस नहीं मिल पाता है। व्हाट्सएप का मैसेज तो उनको मिल जाता है लेकिन कॉल पे रिस्पांस नहीं मिल पाता। तो फ्रेंड्स इस चीज़ का ध्यान रखें और संडे सैटरडे कभी कॉल ना करें। संडे सैटरडे बार बार आप कॉल करते हैं, आपका कॉल अवॉइड किया जाता है, फिर आप व्हाट्सएप पे मैसेज भेजते हैं कि फेक वीडियो डालते हैं। गाइस जिस चीज़ को जॉब मिलता है उनके लिए अच्छा है, जिसको जॉब नहीं मिलता वो लोग यही थिंक करते हैं कि फेक कंपनी है, फेक वीडियो बनाता है, अपना प्रमोशन करता है। एनीवे वो आपकी मर्जी रहती है, आप कुछ भी थिंक कीजिए, मुझे उससे कुछ मतलब नहीं है। जो जो काम कर रहे हैं बंदे वो काम कर रहे हैं ऑलरेडी। तो फ्रेंड्स एक और अच्छी हेल्पफुल जॉब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक।